शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर से प्रथम नवरात्रि को थानेसर शहर में निकाली गई भव्य शोभा यात्रा जयकारों के साथ गूंज उठी धर्मनगरी। हरियाणा के एकमात्र शक्तिपीठ मां भद्रकाली मंदिर से प्रथम नवरात्रि को थानेसर शहर में शोभा यात्रा निकाली गई। भव्य शोभा यात्रा को थानेसर विधायक सुभाष सुधा, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सोमनाथ ससदेवा, मंदिर पीठाधीश सतपाल शर्मा ने हरी झंडी देकर रवाना किया। शोभा यात्रा मां भद्रकाली मंदिर से रवाना होकर थानेसर शहर में निकाली गई। वहीं शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत भी किया गया। धर्मनगरी मां भद्रकाली के जयकारों के साथ गूंज उठी शोभा यात्रा में शक्तिपीठों के प्रतीक शामिल किए गए। शोभा यात्रा में झंडे, त्रिशूल, कलश, पताका, ज्योतिरथ, भद्रकाली रथ और भारत माता रथ ने ही नगर परिक्रमा की। शोभा यात्रा बस स्टैंड, अंबेडकर चौक, गोल बैंक चौक, न्यू कॉलोनी, गुरुद्वारा चौक, छोटे बाजार से होते हुए मंदिर पहुंची। हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ श्री देवी को भद्रकाली मंदिर झांसा रोड कुरुक्षेत्र माँ सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान है। यहाँ पर माँ सती का दाएं टखना गुल्फ विराजमान है और यहाँ पर महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव सहित पूजन किया और माँ की आराधना में विजय कामना के विजय के पश्चात घोड़े दान किए। वर्तमान में भी तत्कालीन महामहिम राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी जी, श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल जी और अनेक राष्ट्रपति यहाँ माँ के दरबार में आए और माँ भगवती की भेंट स्वरूप चांदी के घोड़े अर्पित किए। आज भी लोग इस पावन शक्तिपीठ पर देवी को परमन्नत मांगते हैं और माँ सभी भक्तों की मनोमरादें पूरी करती हैं। आजकल यहाँ माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में प्रथम नवरात्र के अवसर पर एक विशाल भव्य शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जिसमें हजारों महिलाएं नंगे पांव कलश उठाकर नगर परिक्रमा करने के लिए माँ की ज्योति रथ के साथ गई हैं और इसी प्रकार सैकड़ों लाल ध्वज और बैंड बाजों के मंगल गान माँ भद्रकाली की अनेक झूमती, नाचती, गाती, नृत्य में झांकियां माँ के दरबार से यहाँ से प्रारंभ हुई है शोभा यात्रा। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि शोभा यात्रा में ज्योति रथ के दर्शन अवश्य करें और मनोवांछित फल प्राप्त करें। माँ भगवती भद्रकाली सभी के सौभाग्य को जगाएगी, उस पावन ज्योति के दर्शन अवश्य करें। आज माँ भद्रकाली शक्तिपीठ में माँ का भव्य चांदी का दरबार निर्मित हुआ है। एक विशाल दरबार माँ के दरबार की शोभा है। इस दरबार के भी चांदी के दरबार के माँ की पालकी के दर्शन अवश्य करें। यह भी हमारे जीवन का सौभाग्य है कि हम माँ भद्रकाली दरबार का, माँ भद्रकाली शक्ति का आशीर्वाद लेने के लिए, दर्शन के लिए माँ भद्रकाली दरबार पहुँचे। प्रतिदिन नवरात्रों में यहाँ भंडारा माँ के लाडले भक्तों द्वारा किया जा रहा है, जिसमें व्रत का भंडारा स्पेशल किया जा रहा है। इसी प्रकार प्रातः मंगला आरती 6 बजे और संध्याकालीन महाआरती 505 ज्योतों से शाम को 6 बजे होगी और प्रतिदिन माँ के दरबार में भजन संध्या का कार्यक्रम चलता रहेगा। माँ के भक्तों का यहाँ मेला लगता रहेगा। श्री दुर्गा सप्तमी शनिवार को माँ के दरबार से माँ के भक्तों को एक विशेष खजाना मिलेगा, सभी भक्तों को मिलेगा। अपने घर में रखें, उसे सुख समृद्धि और वैभव का उदय होगा। माँ भद्रकाली की दरबार का खजाना आपके भंडारे भरेगा, आपकी झोलियाँ भरेगा। और श्री दुर्गाष्टमी को यहाँ पर विशाल भक्ति जागरण का आयोजन होगा, जिसमें पंजाब के सुप्रसिद्ध सिंगर, सूफी सिंगर कमर ग्रेवाल जी माँ भद्रकाली दरबार में हाजिर लगाएंगे और उनके साथ नेहा शर्मा जी भी पंजाब से माँ की अनन्य भक्त रस्में प्रस्तुति प्रस्तुत करेंगी और श्रीमती रंजना नैब जी माँ भद्रकाली दरबार की विशेष बुलावे पर विशेष नृत्यांगना माँ के दरबार में अपने नृत्य से, झांकियों से मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करेंगी। आप सभी के सामने माँ भद्रकाली के लाडले 52 सौभाग्यशाली परिवार 52 ज्योतें माँ के दरबार में प्रज्वलित किए करेंगे और वह दृश्य एक अलौकिक दृश्य है। आप भी उन ज्योतों का दर्शन करें, आप भी मनोकामना पूरी करें। आप सभी भक्तों से प्रार्थना है कि जो लोग जीवन में कन्या पूजन करते हैं, वे सभी लोग कन्या भ्रूण हत्या रोकने का प्रयास करें। बिजली पानी बचाओ राष्ट्र निर्माण के लिए, कन्या बचाओ आत्मसम्मान के लिए। मातृशक्ति का सम्मान होगा, हमारा भारत एक बार फिर विश्वगुरु बनेगा। जय माता दी, जय माता। हरियाणा के एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ मां सती के 52 शक्तिपीठों में शोभायमान। हरियाणा का एकमात्र प्राचीन शक्तिपीठ